आप दुखी हो तो आप अच्छे से देख सकते हो कि आप ऊर्जा की बिगड़ी हुई चीजों को घर में रखते हो। कैसे जीवन चलता है? ऊर्जा क्या, तरंग बोलो, कंपन, ये तीनों चीजें से जीवन चलता है और कुछ नहीं, खेल है। इसको स्टीफन हॉकिंग कहता है, न्यूटन कहता है, आइज़क न्यूटन, और एडिसन भी मानता है, थॉमस अल्वा एडिसन, दुनिया के कोई भी लोग मानते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या चीज, वाइब्रेशन, कंपन को वाइब्रेशन, एनर्जी ऊर्जा, एनर्जी फ्रीक्वेंसी तरंग, ये तो हिंदी में इंग्लिश में जानता है ना, फ्रीक्वेंसी एनर्जी एंड वाइब्रेशन, यही सब खेल है। अभी हम आराम से बैठे हैं लगता है ना, इस धरती में, ये धरती में ये एक प्रकार का वाइब्रेशन होता है, ठक 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 ठक, उसी को हमने सेकंड्स बनाया हुआ। ये सेकंड क्या है, हम जो घड़ी में एक सेकंड्स बनाते हैं ना, ठक ठक ठक, वो कुछ नहीं है, वो पृथ्वी के कंपन से स्वयं का तालमेल बैठाना, उसी हिसाब से हमने टाइमिंग बनाया है। जो भी टाइमिंग है कंपन के सिंक्रोनाइजेशन, कंपन के साथ स्वयं को सेट करना। आप दुखी हो तो आप अच्छे से देख सकते हो कि आप ऊर्जा की बिगड़ी हुई चीजों को घर में रखते हो। क्या रखते हो? जब ऊर्जा एक समय के बाद बदल जाती है तो उसमें से नकारात्मक शक्तियां निकलने लगती है, जैसे पुराना पेपर। क्या है, एक आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, जैसे ही पुराना होता है वो पीला पड़ता है पेपर, पीले पेपर घर में होते हैं ना, कई औरतें क्या है अपने अलमारी में पेपर बिछा के फिर ऊपर कपड़ा रखती है, वो पेपर एक एक साल तक उसमें रहता है। इसको मालूम नहीं है कि ये पेपर का जो ऊर्जा है, जो असली ऊर्जा खत्म होके नकारात्मक ऊर्जा शुरू हो गया। देखो, एक मुर्दे को आप एक दिन भी घर में रखते हो क्या? आपको दिखता है कि फूल गया, बास रहा है, गंदा है, इसको ले जाके जला दो। पति पति ऐसे मार मार के रोने वाली भी मुर्दे को घर में रखेगी क्या? क्यों, तेरा तो पति है, इतनी रो रही है, रख ले, मालूम पड़े कि सड़ गया, बास रहा, यहाँ रहेगा तो काम का नहीं। आप ध्यान रखो, हर चीज में ये सड़न है, सिर्फ मुर्दे में ही नहीं है, लेकिन उसमें बास नहीं आता है ना, वो फूलता नहीं, इसलिए हमको समझ नहीं पड़ता। लेकिन हर वस्तु एक्सपायर होता है, क्या होता है, हर वस्तु एक्सपायर होता है, इसलिए उस दिन का ये फटे हुए कपड़े मत पहनो, और नए पहन रहे हो लेकिन फटा हुआ है तो एक्सपायर ही माना जाएगा। आप भाई, जन्मा हुआ बच्चा मर गया तो क्या जन्मा हुआ मानोगे? जन्मा हुआ मरा तो भी मरा हुआ ही माना जाएगा ना, तो नया कपड़ा भी फटा हुआ है तो नकारात्मक ही माना जाएगा, उसमें से नकारात्मक शक्ति निकलेगी, समझ रहे हो आप? इसलिए आप जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहते हो। आपके घरों में देखो, बहनों तो जबरदस्त बहनों हैं, क्या है, हाँ बहनों इतनी अच्छी है, एक पति बोल देगा अरे ये डब्बे फेंक ही दो, क्या करना है, उसको अटाले में भर के रखे, अरे वो कब अचार डालूंगी तो काम आएगा, पापड़ बनाऊंगी तो किस में भरूंगी, मैं इसको कहाँ रखूंगी, ऐसे वो जिंदगी में वापस काम आने वाला नहीं है, लेकिन रखी रहेगी सब चीजें। इसको मालूम नहीं है कि ये दरिद्रता का स्वागत कर रही है, किस चीज का, ये दरिद्रता का स्वागत कर रही है। कंपन, मैंने अभी ऊर्जा की बात की, कंपन यानी वाइब्रेशन। आप जाप क्यों करते हो, आप प्राणायाम क्यों करते हो? आपका जो श्वास चलता है ना, प्रकृति से ही पृथ्वी आकाश वायुमंडल के कंपन से सिंक्रोनाइज्ड है वो कंपन। आप जो भी श्वास लेते हो, वो श्वास और ये भूमि में से आने वाला कंपन दोनों समान है। लेकिन जब आप घबराते हो, गुस्से में आते हो, रोते हो, आप देखो, आपको जैसे ही गुस्सा आता है क्या होता है, बताओ, गुस्सा आता है, मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, कैसे कैसे मुझे बोल सकता है, मैं सुनने सुनने वालों में, कैसे करता है, क्या हुआ, अपने कंपन को उसने इम्बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया, हाँ, जब भी आप रिदम में रहोगे, पृथ्वी के रिदम में, प्रकृति के रिदम में रहोगे, जब आप एक रिदम से जुड़े रहोगे, समृद्ध रहोगे, सुखी रहोगे, इसके लिए कोई पूजा पाठ जब तक की कोई जरूरत नहीं है। आप एक समता में रहोगे जब तक आप आराम से दुनिया के राजा बने रहोगे। आपके घर में देखो कितनी चीज फेंकने लायक है, उसमें से जो दरिद्रता का तरंग निकल रहा है, ये तरंग, पहले हमने ऊर्जा की बात की, फिर हमने कंपन की बात की, अब तरंग की बात करो,
तो पुराने फटे कपड़ों से गंदे दरिद्रता का तरंग निकलता। मैंने रोज कहा कि हर दिन नहाना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्यों नहाना महाराज? आप अगर नहीं नहाते हो, कोई आपके ऊपर पसीना मेल जमता है तो तुरंत आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाता है। क्या होता है? गंदे लोगों का आप देखो, आपको बताऊं, आपका अगर अनुभव हो तो, मेरा बहुत अनुभव है ये, कुछ लोगों के शरीर में से बहुत भयंकर बदबू आती है नेचुरली, नाया हो तो भी उसके शरीर में जोर से पसीना आएगा, फिर ऐसा गंदगी आएगा कि नजदीक खड़ नहीं सकते। देखा आपने? ऐसा कोई आदमी को जानो तो उसको याद करो, जरूर वो स्ट्रगलफुल यानी बहुत मेहनत करने वाला, परेशान होने वाला और दुखी होने वाला ही होगा। एक शरीर से गंदा बास आता हो ना, अरबोपति हो ऐसा एक आदमी बताइए, आप बताइए। ऐसा वाला तो बहुत मतलब मेहनती और दुखी रहेगा। आप सोचो कैसे कोई आदमी आप जानो, वो मेहनती और दुखी रहेगा, उसके शरीर से बास आता है, उसको भी मालूम है, आप में भी कोई हो सकते हैं, आपको ही मालूम है। निरंतर ना करके थोड़ा सा इत्र वित्र लगाना चाहिए। पुराने जमाने में दिवाली की पूजा के समय, होली के दिन घर में कोई भी आए, पुराने जमाने में शादी में जावे ना तो गुलाब जल इत्र छांटने की दानी अलग रखते थे, बाहर कोई भी आवे तो इत्र छांट के भेजे, किस लिए? उसको सुगंधित करने। नहीं, अगर वो दरिद्र है तो इस कार्य में आके उसकी दरिद्रता विघ्न करेगी तो बाहर से ही उसको ठीक करके फिर अंदर बुलाते हैं, इसलिए छांटते, बाहर से ही छांटते हैं। गुलाब, आप देखे होंगे गुलाब जल की दानी होती है बाहर, आजकल तो भगवान जाने हैं कि नहीं, अब सब चले गए, अभी मॉडर्न हो गया भाई, एकदम रिसेप्शन में खड़े होके फोटो खींचिए और पहले से ही तैयार हो जाइए और एकदम नाचिए सब मिलके। पहले देखिए नाचने वाली बाहर से आती थी, पहले जमाने में शादियों में क्या होता था, नाचने वाली आती थी बाहर से और घर वाले रसोई बनाते। अब घर वाली औरतें नाचती है ना, रसोई बनाने वाला बाहर से आ रहा है। कथाओं की बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया बदल गई। पहले देखो घरों में गाय बंदे होते थे, हाँ आप ही देखो, पहले घरों में हर घर में गाय बंदे होते थे, कुत्ते गलियों में आवारा फिरते थे, आज कुत्ते घरों में बंदे हैं, गाय गली में आवारा फिर रही है, सनातन धर्म का क्या होगा? कैसा है देखो रिवाज, देखिए कैसे है। हाँ पहले जमाने में औरतें घर की 50-20 मिलके पापड़ बटती थी, अगर पापड़ नहीं आवे आसपास के लोगों को बुला के सब इकट्ठे होके पापड़ बना के घर में रखती। आप पैसे के पापड़ मंगा के खाते, आपके घर में खुद के घरेलू बड़ी पापड़ तो शायद ही दिखने मिले, हाँ सब बाजार के मुलाये हुए। और मैंने ही बताया कि पहले 50 औरतें मिलके 1000 लोगों की शादी में खाना बना लेती थी घरवाली, हाँ और अभी तो घरवालियां सब मिलके डांस करती है, उसके लिए कोरियोग्राफर भी आता है। क्या आता है? कोरियोग्राफर बोलते हैं, हाँ ये कोरोनाग्राफर है, क्या है? हाँ ये कोरियोग्राफर क्या है? अचानक घर में माँ बाप ढूंढ रहे हैं लड़की को, लड़की कहाँ गई? पंडाल में, उधर शादी का टाइम हो गया, अभी दिखे नहीं, कहाँ गई? ढूंढो ढूंढो, अरे कहाँ गई शीला? ढूंढो ढूंढो, ढूंढे मालूम पड़े कोरियोग्राफर जो हाथ पकड़ पकड़ के नचाना सिखाया उसके साथ नाचती नाचती भाग गई, वही बात उधर ही भाग गई, सिखाया बहुत अच्छा काम तो सीख गई, काम भारी काम। तो आप ध्यान रखिए कि क्या करना। देखो पुराने जमाने में, एक जमाने में है, राजस्थान के लोग यहाँ बैठे हैं कुछ, क्योंकि मैं तो राजस्थान का हूँ तो मैं ये जानता हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है कि सुबह सुबह एक लोटा पानी भर के हम बाहर जाते हैं। क्या कहते हैं भाई? किस लिए जाए? जंगल जावे बोले, कई बोले हाँ जंगल आने, कोई जंगलों में जाके कुछ पेड़ नहीं बो रहा है, खुद का निकाल रहा है सुबह सुबह माल, उसको क्या बोलते हैं? जंगल जानो, जंगल जाना है। देखो पहले जमाने में कचरा बाहर निकाल देते, मैं ये सही नहीं बोलता हूँ, पुरानी परंपरा बताता हूँ, नहीं तो मोदी जी बोलेंगे कि हमने शौचालय बना के भारत को शौचालय युक्त भारत बनाया, नहीं ये महाराज जंगल की बात कर रहे हैं, मैं तो पुरानी रिवाज की बात कर रहा हूँ। पुराने जमाने में लोटा लेके खुले हवा में टट्टी जाते थे, उसको जंगल जाना बोलते थे, घर आके शुद्ध भोजन करते थे। आजकल गली में जाके खा लेता है भरपूर गाड़ियों में कचरे में, फिर पेट दुखे, अगर घर आ गया तो समझना टट्टी जाने आया है ये घर, पहले टट्टी जाने बाहर जाता ना खाने घर आता, आज खाने बाहर जाता ना टट्टी जाने घर आ जाता है, कि भाई खटखट बजाया तो समझना जरूर पेट दुखा होगा, आ गए सेठ जी टट्टी जाने आए हैं, अब टट्टी और कहाँ जाएगा, घर में ही जाएगा। तो आप पहले तो खाने के लिए घर में आते थे, एक जमाना था ना भाई शुद्ध खाना कहाँ मिलेगा, अब वो गली में खड़ा हुआ पानी पूरी खाया, उसमें जलजीरा खूब डाल दिया, क्या मसाला डाला, चाट मसाला खाते ही अंदर से बिजली खून दे, खड़खड़ खड़खड़ बाजे,
और जैसे ही बाजे घर की याद आ गई, खटखट, पत्नियां आजकल खुश नहीं होती कि पति आ गया, मालूम है बाथरूम का दरवाजा खुला रख के बुलाती है, आओ आ गए तो जाओ, हाँ आ गए है तो पधारिए, इसीलिए आए होंगे। कैसा कैसा देखिए दुनिया का बदलाव, आपको बोलूं तो बड़ा आश्चर्य लगे मुझे, कथा का विषय नहीं है लेकिन विषय बड़ा भारी है कि एक जमाने में हम शुद्ध चीजों का सेवन करते, अब देखिए होटल में जाइए आप, बड़े होटलों में आप कोई गए हो, फाइव स्टार में, थ्री स्टार में जाइए, बैठिए, भोजन कीजिए, खाना खाने के बाद शुद्ध अच्छा ताजा नींबू काट के वॉट में, एक बाउल में हॉट वाटर डाल के उसमें नींबू डाल के देगा, उसमें धोइए। किसमें धोना, किसमें धोना है यार, तेरी कहानी आ गई, हाँ बेटे। अभी देखिए हम एक जमाने में शुद्ध ऑर्गेनिक चीजों का सेवन करते थे, आजकल अमोनिया यूरिया, ये जो डिप्रेशन और टेंशन में भोजन में मिलने वाली अमोनिया और यूरिया का भी बहुत बड़ा भाग है। जमीन को हम बहुत ज्यादा उपज के चक्कर में जहरीला बना दिए हैं, जमीन का सत्य खत्म कर चुके। उस जमाने में सब कुछ ठीक था, शुद्ध अन्न खाते थे, बड़ा मजा आता। आजकल देखिए होटलों में जाइए, हाथ धोने के लिए ताजा नींबू काट के पानी में डाल के देते, नवाया नवाया पानी में हाथ डाल के ऐसे गुनगुना पानी में हाथ धोइए, हाथ साफ होता है। हाथ धोने के लिए कौन सा नींबू, ताजा असली नींबू। और कोई शादी में कोई प्रोग्राम में जाइए, वेलकम ड्रिंक देते हैं नींबू का, डुप्लीकेट नींबू का, सॉल्ट का नींबू, पीने के लिए नकली नींबू का पानी और हाथ धोने के लिए असली नींबू का पानी का उपयोग करें। फिर धर्म की बात करें तो कहां से धर्म आएगा, आप ये बताइए। हाथ तो असली नींबू से धो रहे हैं और पी रहे हैं जहरीला नींबू का पानी, क्योंकि वो तो असली नींबू जो हो, ये जो रसना बनता है, ये बनता है, सिरप बनता है, ये क्या असली नींबू से बन रहा है? आप जूस तो उसका पी रहे हो और हाथ असली नींबू का धो रहे हो, धोना क्या चाहिए? असली नींबू का जूस पीना, भले हाथ किसी से धो ले, क्या फर्क पड़े? कैसा जीवन जी रहे? देखिए अभी बोलने जाऊं तो लाख दिन कम पड़ेंगे, 29 दिन से कुछ नहीं हो। आपको संस्कार में लाने के लिए एक 10 जन्म चाहिए, कितने, हाँ 10 जन्म मिल गया तो आप सबको व्यवस्थित कर दें, लेकिन इस जन्म में भी कृष्णगिरी का भक्ति जरूर करते रहिए। इसी जन्म में आपका कल्याण होना है, आपका इस जन्म में लाभ होना है। मैं बस यही कहता, भले के लिए कहता हूँ, अनमोल जन्म है मिला, बसंत विजय को मत भूलना।